देवास जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय से समस्त होम आइसोलेट मरीजों से फोन पर चर्चा कर हालचाल जानकर कुशलक्षेम पूछी, साथ ही स्वस्थ हुए मरीजों से उनके अनुभव जाने। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने होम आइसोलेट मरीजों के परिजनों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व पापुनी अध्यक्ष रायसी सिंधेव, पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर मुकाती, पूर्व जिला महामंत्री राजेश यादव, भाजपा नेता मनीष सोलंकी, मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी, मनीष सेन, अनिल चावड़ा, सुमेर सिंह जादौन, ओम प्रकाश यादव, राकेश अग्रवाल, तने चौधरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि होम आइसोलेशन में जितने मरीज हैं उन सब के साथ हमारा पार्टी परिवार कार्यकर्ता बात करें, उनका हालचाल जाने, यदि उनको और कोई दिक्कत है तो उनकी मदद कैसे की जाए, इसकी कार्य योजना बने, यदि कोई उनको सहायता चाहिए तो उसके लिए भी पार्टी परिवार, क्योंकि संगठन ही सेवा, सेवा ही संगठन, ये जो नारा हमको दिया है उसके क्रियान्वयन के लिए आज इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। यदि आपने जो कार्यकर्ताओं चर्चा करी या परिजन चर्चा करी है, ऐसी क्या समस्या आ रही है उनको कि अधिकतर मरीजों को कि सबसे खुशी की बात तो ये, जितने फोन अभी हमने लगाए उनमें से अधिकांश लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हो गए, मेडिकल किट घर पे ही क्वारंटाइन रहते हुए उन्होंने अपने बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। एक फ़ोन ज़रूर ऐसा आया राम रहीम नगर वार्ड नंबर 4 का कि उनके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 75 है और उनके पास मेडिकल किट नहीं पहुंची है, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी 10 मिनट में उनके पास वो मेडिकल किट को पहुँचवा देंगे ताकि उनको स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिले। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।